दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर किसी भी स्कूल के खिलाफ आपको शिकायत करना हो तो फिर आप उसकी शिकायत कहां करेंगे। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों आज के समय में स्कूल और अस्पताल में आपको खुलेआम लूटा जाता है। आप चाह कर भी वहाँ कुछ नहीं कर पाते हैं, आप विरोध भी करते हैं तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर कोई भी स्कूल अपनी मनमानी करे, वे मनमाने तरीके से फीस बढ़ाए या फिर जो भी बुनियादी स्कूल की चीज़ें हैं वह आपको वह सुविधा नहीं दे या फिर सही से पढ़ाई बच्चों को नहीं दे, तो फिर आप उसकी शिकायत कहाँ करेंगे। दोस्तों आज कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि मनमाने तरीके से फीस आपसे वसूल कर रहे हैं। वे सरकार का कानून का जो नियम है उसको अनदेखा करके मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर आपको किसी भी स्कूल की शिकायत करनी हो तो आप कहाँ करेंगे। दोस्तों अगर मान लेते हैं आपका जो बच्चा है CBSE स्कूल में पढ़ रहा है, वह जो स्कूल है CBSE से मान्यता प्राप्त है और उस स्कूल में जिस अनुसार से आपसे पैसा लिया जा रहा है, फीस लिया जा रहा है और उस स्कूल में आपसे फीस तो वसूला जा रहा है लेकिन फीस के मुकाबले में आपको सही से पढ़ाई नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप यहाँ पर CBSE बोर्ड से सीधे शिकायत कर सकते हैं क्योंकि उस स्कूल का जो मान्यता है CBSE बोर्ड ने ही दिया है। तो आप यहाँ पर CBSE बोर्ड को मेल कर सकते हैं। आप उनका मेल ID गूगल करके गूगल से निकाल सकते हैं या फिर आप लेटर लिखकर लिखित में शिकायत उस स्कूल के खिलाफ कर सकते हैं। CBSE बोर्ड में शिकायत करने के बाद निश्चित ही उस स्कूल पर कार्रवाई होगी और अगर वह स्कूल दोषी पाया जाता है तो जो CBSE बोर्ड है उस स्कूल का मान्यता भी खत्म कर सकती है या फिर आप शिक्षा विभाग में भी शिकायत कर सकते हैं। आप उनको भी लिखित में उस स्कूल के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं या फिर आप जिले के जो DM होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, आप उनसे भी शिकायत कर सकते हैं। तो अगर कोई भी स्कूल अपनी मनमानी दिखाता है और अगर वह स्कूल CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, एफिलिएटेड है, तो फिर आप CBSE बोर्ड में शिकायत कर सकते हैं, आप शिक्षा विभाग को शिकायत कर सकते हैं या फिर जिस जिले में वह स्कूल है आप उस जिले के DM को भी शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें।